ओके जी, तो अभी हम लोग इधर कैफेटेरिया है, थैंक यू। ऊपर भी कर दो उसको, ऊपर भी कर दो। सोचा था मैं पास्ता बनाऊंगी, लेकिन पास्ता का सिर्फ एक पैकेट है, मुझे दो चाहिए, इसलिए मैं स्पेगेटी बनाऊंगी। चलें इसको टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ कैसी बनी है। कि मेरे बच्चे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, बच्चों की समर वेकेशंस हैं तो बच्चे जो हैं उनका रात को सोने को दिल नहीं करता, तो सैटरडे नाइट बच्चे जाग रहे थे और नहीं सो रहे थे। बच्चे एक्चुअली स्विमिंग पूल जाना चाह रहे थे, लेकिन 3 से 4 बजे का टाइम था तो स्विमिंग पूल तो जाना पॉसिबल नहीं था, तो काशिफ ने बोला इनको बीच लेकर चलते हैं। तो खैर बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो गए कि हम लोग बीच जा रहे हैं, समुंदर काफ़ी जोश में था वहाँ पर, और मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती समुंदर लेकर गए हैं कि मम्मा आज आप भी नहाएंगी, और मैं गई हूँ अंदर तो ये पानी से डर के मारे सारे बाहर। मैंने कहा अब तुम लोग भी तो अंदर आओ ना, तो फिर एक एक करके खैर तीनों अंदर आ गए। समुंदर की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लग रही थी, आपको भी सुनाती हूँ। नहीं पानी बहुत तेज है बेटा, आ जाओ वापस। नहीं बस ये मिट्टी से ही खेलो फिलहाल, अभी तो रोशनी हो जाए फिर खेलना। मजा आ रहा है जी। नमक इस तरह के जो शीले समुंदर में नहाने के मुझे तो दो फायदे लगते हैं, एक तो समुंदर आपको बाहर की तरफ फेंकता है, अंदर ज़्यादा जाने नहीं देता, विच इज़ गुड फॉर मी, और दूसरा जो है वो ये कि पानी इतना तेज़ होता है कि ये डर नहीं रहता कि मछली आएगी, या मुझे डर लगता है यार पैरों में मछली लग रही है या केकड़े आ जाएंगे, ये है वो है, वो वैसा कोई सीन नहीं रहता क्योंकि पानी इतना स्पीड में होता है, तो मैंने तो बहुत एंजॉय किया। इसके बाद नाश्ता करने के लिए हम लोग ये कैफेटेरिया आ गए, इनके चिकन नाशिफ मुझे बहुत पसंद है। पहले हमने चाय पी, अब्दुल सुबहान के लिए बर्गर लिया और चिकन नाशिफ खाया, उसके बाद घर आके हम लोग सो गए थे क्योंकि बहुत नींद आ रही थी। बच्चे तो रास्ते में ही सो गए थे, उनको बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है वो पार्किंग लॉट से ऊपर लेकर आए हैं, तो खैर बच्चे और हम नींद पूरी करके जब उठे हैं तो शाम का टाइम था, तो फिर इनको भूख लग रही थी। मेरे पास ये बोनलेस चिकन था, मैंने सोचा इसका मैं पास्ता एक मैंने ऑनलाइन ही यूट्यूब पर देखा था कि वो बनाती हूँ, और बस वो बनाने लगी हूँ। और ये जी खिड़की हमने आज बहुत दिन के बाद खोली है क्योंकि गर्मी इतनी थी, ह्यूमिडिटी इतनी थी कि मुमकिन ही नहीं था कि खिड़की खोले। मैं तो इसको बंद ही रखती थी और एसी ऑन करके किचन भी ठंडा किया होता था मैंने, लेकिन अब ये है कि आज बहुत अच्छी हवा चल रही थी, आप देख सकते हैं दरख्त जो है ना वो हिल रहे हैं, उसी से पता चल रहा है कि हवा चल रही है। तो इसलिए काशिफ ने बड़ा अच्छा वो सारे घर की खिड़कियाँ खोल दी थी और बड़ी अच्छी वेंटिलेशन हो रही थी, पूरा घर ठंडा ठंडा हुआ हुआ था। तो नेक्स्ट मैंने इस पास्ता के लिए 4 to 5 टोमेटोज लिए हैं, जिनकी रेसिपी मैंने देखी थी, उन्होंने पील करके इसको इसकी प्योरी बनाई थी, लेकिन मैंने इसी तरह से ले लिए हैं, आपकी मर्ज़ी आप इसको पील कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने
चार ही मैंने अनियन लिए थे और उनको चॉप किया था, फाइनली चॉप, एंड देन उनको मैंने ऐड करना था। और सभी अभी आपके सामने करूँगी, साथ साथ बताती भी जाऊँगी। ऊपर भी कर दो उसको, ऊपर भी कर दो। अलमारी भी बंद करो। मैंने सोचा था मैं पास्ता बनाऊंगी, लेकिन पास्ता का सिर्फ एक पैकेट है, मुझे दो चाहिए, इसलिए मैं स्पेगेटी बनाऊंगी। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने बोनलेस चिकन लिया है, उनको बोथ साइड से मैं कुक कर रही हूँ। इसमें मैंने नमक, काले मिर्च और गार्लिक पाउडर और ऐड किया है, एंड दैट्स इट। और बस इसमें मुझे ये गलती होगी कि मैंने इसको बहुत ज़्यादा कुक कर दिया, इतना ज़्यादा कुक कर दिया कि वो ड्राई हो गया चिकन, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। बस ये मेरे से गलती हुई, बाकी कोई गलती नहीं थी। खैर, उसके बाद मैंने उसी ऑयल में मैंने अनियन लिया है, एंड देन फिर मैंने ये टोमेटो प्यूरी ली है। इसको अच्छे से कुक करना है, इसमें आप मसाले अपनी मर्जी के डाल लें। उन्होंने कम डाले थे जिनकी मैंने रेसिपी देखी थी, लेकिन मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए था, स्पाइसी नहीं बस थोड़ा सा चटपटा चाहिए था, तो इसलिए मैंने नमक, काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर, गार्लिक पाउडर सब कुछ ऐड कर दिया, जो जो मुझे समझ आया। दो चिकन क्यूब भी ऐड की थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पास्ता दूसरा होता तो ज़्यादा अच्छा बनता, लेकिन स्पेगेटी थी तो खैर इसके साथ भी इतना बुरा तो नहीं बना, लेकिन ठीक था। तो खैर, जब ये इसमें पानी ऐड करके उसको बना दिया मैंने, और फिर जब ये कुक हो गया तो इसमें मैंने क्रीम ऐड कर दी, एंड देन फिर उसको कुक करने के बाद मैंने इसको चिकन के साथ सर्व किया। अभी इसमें थोड़ी सी कमी थी, इसको थोड़ा सा और कुक होना चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको फिर तकरीबन 5 से 10 मिनट ना और मैंने इसको दम पे रखा था। पानी कम लग रहा था तो मैंने फिर ना सॉस पैन में थोड़ा पानी गर्म करके इसमें थोड़ा सा 1 से 2 ग्लास ऐड किए थे, ताकि जो है ये अच्छे से कुक हो जाए। स्टार्टिंग में तो बच्चों को बड़ी मज़े की लगी, उन्होंने माशाल्लाह खा भी ली, बची बिल्कुल नहीं, खा भी ली, लेकिन उनको चिकन से मसला हो रहा था। उन्हें ऐसे कभी मैंने खिलाई नहीं ना, तो उनको ये हो रहा था कि मम्मा नहीं, ये चिकन बहुत ड्राई है, ये मतलब वो चाह रहे थे, काशिफ को भी यही लग रहा था कि चिकन जो है वो इसके अंदर ऐड करके तुम्हें पकाना चाहिए था जैसे तुम नॉर्मली पकाती हो, सिर्फ ये इशू हो रहा था। अदरवाइज़ माशाल्लाह खा सबने लिया था, लेकिन सिर्फ ये इशू हो रहा था। तो ओवरऑल बहुत अच्छी बनी थी, सबको बहुत अच्छी लगी। कोशिश कर दी, चलें इसको टेस्ट करती हूँ, बताती हूँ कैसी बनी है। कि मेरे बच्चे इतना गंदा वो बताते हैं ना, रिव्यू इतना बुरे तरीके से देते रहा, उनको जब मिल जाता खा रहा वो कहते हैं बस हम खा रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है कि बता दें माँ को। सो लेट्स सी, बहुत मज़े का लग रहा है सीरियसली। इनको एक्चुअली नूडल्स पसंद है, वैसे तो नूडल्स भी नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ये कि फिर भी चिकन इस तरह से इनको ज़्यादा लगेगा, वरना ऐसे कहना मम्मा चिकन और दे दें, है ना दुश्मन। ओके जी, तो ये था हमारा संडे फन डे। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ब्रेक के बाद इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।